हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल फैंटेसी अर्निंग किंग। देख रहे हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लो, और हमारे वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन पे आपको हमारे टेलीग्राम चैनल किंग ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फैंटेसी अर्निंग किंग की लिंक मिल जाएगी, जाके जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यही एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको फ्री में प्राइम टीम मिलती और अनलिमिटेड अर्निंग करते हो। ठीक है, तो आप मेरा अर्निंग प्रूफ भी दे सकते हो कि ये बेस्ट लॉस कवर ऐप है विजन 11। जो भी डाउनलोड नहीं किया जाके डाउनलोड कर लो, क्योंकि इससे अच्छा लॉस कवर आपको किसी भी ऐप में नहीं मिलेगा। दो ऐप पे मैं आपको खेलने के लिए बोलता हूं, एक रॉयल 11, विजन 11 ऑफ माई फाइव 11। यहां पे आपको क्या है कि बेस्ट टीम प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि यहां पे पॉइंट प्रॉब्लम नहीं होती और आसानी से अपनी बेस्ट टीम आप क्रिएट कर सकते हैं, और यहां पे कम लेस कंपटीशन हैं जिससे आप हाई विनिंग चांसेस यहाँ पे बन जाते हैं। ठीक है, इसलिए जरूर आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने जितने भी कॉन्टेस्ट अपने प्राइम यूजर्स को दिए अच्छे खासे विनिंग रही है, और लोग यहाँ से अच्छी विन भी किए, तो आप भी उनमें से एक हो सकते हो, अच्छी विन कर सकते हो। आपको करना क्या होगा, लॉस कवर करना होगा। आप यदि प्राइम टीम लेना चाहते हो तो आप हमारे प्राइम टीम से ले सकते हो, क्योंकि प्राइम टीम पे जो भी बेस्ट मैचेस होता है उसकी मैं प्राइम टीम देता हूँ, आपको बताता हूँ कि ये गुड इन्वेस्टमेंट है या लेस इन्वेस्टमेंट है, तो इन्वेस्टमेंट के तरीके भी बताता हूँ कि आपको इस मैच पे कितना इन्वेस्ट करना है। ठीक है, एवरेज रखना है कि हाई इन्वेस्टमेंट करना है, तो सब कुछ कवर कराता हूं। तो हमारा प्राइम टीम आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, नहीं लेना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो ग्रैंड लीग की टीम आपको प्रोवाइड मिलेगी, तीन ग्रैंड लीग की टीम मिलेगी, और तीन ग्रैंड लीग की टीम आपको ऐसे मिलने वाली है कि एक पंथर पिक रहते हैं हर एक मैच पे, जो आपको यदि मेन प्लेयर नहीं चला तो कौन सा प्लेयर वो चलेगा जिससे आपकी ग्रैंड लीग लग सकती है। ठीक है, तो आइए चलते हैं। तो फ्रेंड, ये मैच द ओवल पे खेला जाएगा, लंदन पे। पिच बिहेव जो कर रही है बॉलिंग को सपोर्ट कर रही है, एवरेज स्कोर 100 के अंदर ही है, 81 का है। ठीक है, तो यहाँ पे टेम्परेचर 21 का रहेगा, और यहाँ पे विनिंग जो रेट रहेगी जो ओवल बोमैन का और लंडर स्प्रिट बोमैन का यहाँ पे मैच होगा, जिसपे ओवल का ज़्यादा विनिंग चांसेस बन रहे हैं। ठीक है, थोड़ी मजबूत टीम मानी जा रही है, और इनमें से मोस्ट प्लेयर वो कौन से हो सकते हैं, अच्छे प्लेयर वो कौन से हो सकते हैं, वो प्लेयर आपके बारे में बताने वाला हूँ। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखते रहें। यहाँ पर बॉलिंग पिच है, लेकिन बॉलिंग में कौन सी पिच है, तो ये पेसर के लिए ज़्यादा सपोर्टेड पिच है। वैसे भी इंग्लैंड हो या न्यूजीलैंड, यहाँ पे फास्ट बॉलरों को ज़्यादा मदद मिलती है। एम कैप हैं जो फर्स्ट मैच के बाद मैच नहीं खेली हैं, ठीक है, उनकी बात नहीं करते। और डीवी निकर्क हैं, तीन मैच पे 21 की एवरेज से रन मारा हुआ है, एक अच्छे ऑप्शन रहेंगे ग्रैंड लीग पे कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के। और एक टी फेरेंट है ग्रैंड लीग पे, आप जरूर इन्हें कैप्टनसी भी ट्राई करिएगा, वाइस कैप्टन आप ग्रैंड लीग पे जरूर ट्राई करिएगा, एक मस्ट पिक हो सकती हैं। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर 82 और टोटल एवरेज स्कोर 81, तो टोटली ये जो पिच है वो बॉलिंग के फेवर पे जा रही है, इसलिए आप बॉलर को रेफर करके ग्रैंड लीग पे कैप्टनसी या वाइस कैप्टनसी दीजिएगा, अब टीम आप सोच समझ के बनाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलराउंडर की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो मोस्ट प्लेयर होंगे उनमें से आपके डीवी निकर्क हैं, ठीक है, दीप्ति शर्मा हैं, एक ग्रैंड लीग में अच्छी ऑप्शन रहेंगी कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के। आप एवरेज लेके चलोगे, रिस्क के साथ इन्हें कैप्टन बनाइएगा, नहीं तो मैं आपको रेफर नहीं करने वाला। ठीक है, एस के नाइट हैं ग्रैंड लीग पे, एक अच्छी ऑप्शन रहेंगी कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के। जैसा कि ये फर्स्ट बॉलिंग पिच है, तो आज ये आपको बताना चाहूँगा कि ये बॉलिंग भी कर सकती है, बॉलिंग करेंगी तो एक अच्छे ऑप्शन रहेंगी, क्योंकि ये अच्छी बैटिंग भी कर लेती है, बॉलिंग से भी एक आध दो विकेट निकाल लेती है, तो ग्रैंड लीग पे कैप्टन चॉइस रहने वाली हैं। ठीक है, उसके बाद टी फेरेंट हैं, एक ग्रैंड लीग की अच्छी पिक रहेंगी, कैप्टन वाइस कैप्टन आप बना सकते हैं। एम विलन हैं, एक अच्छे ऑप्शन रहेंगी। आपको बता दूँ, यदि एम विलर और डी डॉटन में किसी एक को ही आप ले सकते हो, कैसे ले सकते हो, क्योंकि ड्री लेवन पे होगा पॉइंट प्रॉब्लम, तो यदि आप डी डॉटन को ड्रॉप कर दोगे तो एम विलर आपको प्रोवाइड मिल जाएंगी, और आपके ऑप्शन जो मिल जाएंगे वो काफ़ी हद तक अच्छे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, बात करते हैं विकेट कीपर सेक्शन से, तो विकेट कीपर सेक्शन पे टी बेउमाउंट और एस ब्राइस में से किसी एक आपको लेना होगा, लेकिन यहाँ पे पॉइंट प्रॉब्लम है तो एस ब्राइसी के साथ आप जा सकते हैं। ठीक है, बाकी और कोई इतनी एफ विल्सन है, मैच नहीं खेली है, फिर यहाँ पे यदि खेलती अच्छे ऑप्शन रहेंगे ग्रैंड लीग पे कैप, यहाँ पे एफ डेविड काफ़ी कम लोग यहाँ पे नज़र डालेंगे, लेकिन फास्ट बॉलिंग करेंगी, अच्छी विकेट टेकर बॉलर है, एस मुनरो हो गई, एफ डेविस हो गई, ठीक है, जी जिप्स हो गई, तो ये तीन आपके ग्रैंड लीग के पंथर पिक में से एक होने वाले हैं आज के मैच के लिए, तो थोड़ी सोच समझ के आज आप टीम बनाइएगा। तो आइए चलते हैं। तो फ्रेंड, आइए चलते हैं, अब ग्रैंड लीग की टीम बनाते हैं, आपको बताते हैं कि वो कौन से प्लेयर हो सकते हैं। ठीक है, पहली जो ग्रैंड लीग की होगी वो मेरी रिस्की टीम पे
पिक हमेशा रहती है, जैसे कि मैं ग्रैंड लीग की रिस्की पंथर पिक में से लेता हूँ, जैसे कि यहाँ इतनी पॉइंट प्रॉब्लम नहीं होती तो मैं टी ब्रेमाउंट के साथ ही जाता, लेकिन यहाँ पे एस ब्राइस के साथ गया हूँ क्योंकि पॉइंट प्रॉब्लम है। ठीक है, एस के नाइट, एफ विल्सन, एन डटानी और जी एडम्स हैं। ठीक है, इनमें से यदि कोई नहीं चलता तो फिर चलेगा कौन? पंथर पिक उनमें से कौन से हो सकते हैं जो ड्रीम इलेवन के स्टार परफॉर्मेंस में से होंगे? ठीक है, उनकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे जी एडम्स हैं, काफ़ी लोग लेके जाएंगे, लेकिन यहाँ पे पॉइंट प्रॉब्लम है इसलिए मैं इनके साथ ही जाने वाला हूँ। यहाँ पे आप यदि खेलती हैं सी टॉयसन तो आप उनके साथ जा सकते हो, अभी लेस है चांसेस इनके। ठीक है, डी वन निक गर्ग हैं, डी डॉटन को मैंने लिया हुआ, दीप्ति शर्मा को लिया हुआ है, एक कैप्सी को लिया हुआ है, जे गिब्स को मैंने ड्रॉप किया हुआ है। डी डॉटन यदि को लेके जा रहा हूँ तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे एम व्हीलर के साथ आप फिर नहीं जा पाओगे। एम व्हीलर के साथ फिर क्यों नहीं जा पाओगे, उसका एक रीज़न है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट प्रॉब्लम हो रही है जिसके कारण आप नहीं ले जा सकते। तो यदि मैं इस प्लेयर को यहाँ पे ले लेता हूँ तो आप नहीं भी लेते तो जी गिब्स हैं आपके पास ऑप्शन पे, और आप चाहते हो कि बहुत कम लोग हैं लिए हुए हैं तो आप यहाँ से एम व्हीलर के साथ भी जा सकते हो। और यदि यहाँ पे एस सूफिया इस्माइल खेलती हैं, पिछले मैच पे जरूर अच्छी परफॉर्मेंस नहीं की, और यदि खेलती हैं तो आप लेके जा सकते हो, एक अच्छे पिक रहेंगे। ठीक है, यदि खेलती हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा डी डॉटन से फिर इससे जी यहाँ पे जी गिब्स से बेटर ऑप्शन आपके पास एस स्माइल रहेंगी, और एक अच्छे ऑप्शन ग्रैंड लीग पे रहने वाले हैं ये, और ग्रैंड लीग भी आप चाहो तो जीत सकते हो यहाँ से। और यहाँ पे आपको पॉइंट प्रॉब्लम, जैसा कि मैंने कहा कि पॉइंट प्रॉब्लम होगी, इसलिए यहाँ से आप कुछ हद तक अपने टीम चेंजेस कर सकते हो, और ये टीम शायद ही कोई बताए जो मैं आपको ग्रैंड लीग की टीम दे रहा हूँ। कैप्टनसी हमारे यहाँ पे डी वन निकर्क ही रहेंगी और टी फेनेंट हमारे वाइस कैप्टनसी के ऑप्शन रहेंगे। देखिए काफ़ी लोग एस स्माइल के साथ गए हैं, क्यों गए हैं? सब नीम हैं, बहुत अच्छी नेशनल साउथ अफ्रीका की बहुत अच्छी फास्ट बॉलरों में से एक है और हमेशा विकेट लेके जाती हैं, और इनका जब भी विकेट लेके जाती हैं आपको बता दूं बैटिंग भी अच्छा करना जानती हैं और विकेट लेके भी जाएंगी, तो एक अच्छे फास्ट बॉलिंग पिच है, तो इसलिए फास्टरों को इन्हें जरूर लेके जाना है। सोच सकते हो 21% लोगों ने इन्हें लिया हुआ है, तो एक ग्रैंड लीग के पंथर पिक में से एक है, सेम टीम के साथ आप जा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे यदि डी जिप्सन है आप चाहो तो इनके साथ आप ड्रॉप कर सकते हो। ठीक है, तो एक एवरेज रहने वाली हैं आज, शायद आप ऐसा कुछ मान के चलोगे तभी, लेकिन एवरेज से बेटर परफॉर्मेंस करती हैं क्योंकि ये कभी कभार बैटिंग से भी परफॉर्मेंस कर डालती हैं, आप देखोगे बैटिंग से भी परफॉर्मेंस करती हैं, तो ये एक बैटिंग से भी अच्छे हाथ दिखा सकती हैं, तो एक आप ज़रूर लेके जा सकते हो। ठीक है, मोस्टली मैं आपको बताना चाहूँगा कि जी जिप्सन की जगह यदि पॉइंट प्रॉब्लम जहाँ पे ना हो तो डी डॉटन के साथ आप जा सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे सेफ टीम मिलने वाली होगी तो आप वहाँ पे आप जरूर यहाँ पे चेंजेस करोगे, ग्रैंड लीग जरूर विन होगी। आप देखिएगा इन्हीं में से एक आध दो चेंजेस जो मैं आपको बता रहा हूँ, यही जो चेंज होंगे आपको ग्रैंड लीग विन करवाएंगे। सेकंड टीम जो रहने वाली हमारी कुछ ऐसे रहने वाली है, यहाँ पे मैं जो ड्रॉप किया हुआ एच के नाइट को मैंने वाइस कैप्टनसी दिया हुआ है, क्यों दिया हुआ है? क्योंकि एक ये भी फास्ट बॉलिंग करेंगी और यहाँ पे जैसा कि आपको पता ही है कि ये स्पिन बॉलर है और यहाँ पे पिच जो है ये फास्टर को सपोर्ट करती है। ठीक है, फास्टर को सपोर्ट कर रही है तो इससे ये मतलब नहीं हुआ कि ये स्पिनर को सपोर्ट नहीं करेगी, तो स्पिनर ये बहुत अच्छी हैं तो आप इनके साथ भी जा सकते हो। थोड़ी मैंने रिक्स लिया हुआ है, आप दीप्ति शर्मा भी आपको ऑफ ब्रेक बॉलिंग ही करती हैं, आपको बताना चाहूँगा दीप्ति शर्मा भी जो होंगी, काफ़ी लोग इन्हें कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी दे रहे हैं तो ये भी ऑफ ब्रेक बॉलिंग ही करती हैं, इसलिए मैं आज इन्हें 34% लोगों ने इन्हें कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी या 14% लोगों ने वाइस कैप्टनसी दिया हुआ है, कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी, तो मैं इसलिए एस के नाइट के साथ जाना चाहूँगा। आप चाहो तो टी फ्रेंट या एम व्हीलर के साथ भी जा सकते हो। ठीक है, एक अच्छे ऑप्शन रहेंगे आपके पास। थल जो ऑप्शन रहेगा ये ग्रैंड लीग की टीम बता रहा हूँ फ्रेंड, थल टीम जो रहेगी हमारी ये टीम रहने वाली है, ये जो टीम आपके पास रहेगी आपको बताना चाहूँगा, ये टीम आपको स्मॉल लीग या हेड टू हेड पे इन्वेस्ट करना है। यदि कोई भी चेंजेस होता है तो उसके बाद मैं फिर आपको बता दूंगा कि यहाँ पे अभी मुनरो को लिया हुआ है, मुनरो की जगह मैं जो आपको पिक करने के लिए बोलूँगा वो रहेंगी सबनीम इस्माइल के साथ, आप चले जाइएगा, एक अच्छे पिक रहेंगी आज के मैच के लिए। तो मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ फ्रेंड, आप यदि जब तक सपोर्ट नहीं करोगे, लाइक कमेंट नहीं करोगे, इससे हमें मोटिवेशन नहीं मिलेगी जिससे मैं मैच कवर नहीं कर पा रहा हूँ। आपके मोटिवेशन की मुझे बहुत ही ज़रूरत है, इसलिए आप वीडियो को लाइक करें, ढेर सारा प्यार दें। थैंक यू।